सात ओवरों में 76 स्कोर हो गया, तो क्या लगता है हिंदुस्तान क्या टारगेट देगा पाकिस्तान को? और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या लगता है पाकिस्तान जीत जाएगा ये मैच? हालात तो लग रहे हैं कि नहीं जीतेगा, पर इंशाल्लाह दुआएं तो हमारी पाकिस्तान के साथ ही है कि जीते हम, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा मुल्क है, हम तो सपोर्ट करेंगे एंड तक। अभी तक सर सात ओवरों में 76 स्कोर हो गया, तो क्या लगता है हिंदुस्तान क्या टारगेट देगा पाकिस्तान को? और हिंदुस्तान तो इस टाइम टॉप पे है, सूर्या कुमार उनका पूरी फॉर्म में है, कोहली भी फॉर्म में है, टारगेट हो सकता है मे बी 190-200 के करीब। तो हमारी बैटिंग लाइन इस काबिल है कि आसानी से जो चेस कर लेगी? काबिल तो है हमारी बैटिंग लाइन, पर इस ग्राउंड पे नॉट पॉसिबल फॉर मी इस टाइम ऑल द वे इंडिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी तक आपने सारे मैचेस देख लिए होंगे, आपके ख्याल में फेवरेट टीम कौन है जो टूर्नामेंट लेके जा सकती है, एशिया कप लेके जा सकती है? फेवरेट तो डाई हार्ड फेवरेट तो इंडिया ही थी शुरू से ही, स्टार्ट से टूर्नामेंट स्टार्ट होते साथ ही इंडिया ही फेवरेट थी, उसके बाद पाकिस्तान का चांस था, बट अनफॉर्चुनेटली इस टाइम जो हालात हैं वो ऑल द वे इंडिया है। अफगानिस्तान भी बहुत खतरनाक हो गई, इसके बारे में है कोई राय आपकी? बस एक आधा दो मैच जीत गए हैं वो, बट कल वो हार गए हैं, तो मेरे ख्याल से कोई चांस नहीं उनका, बहुत कम है। ठीक है सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।